नमस्ते लड़के लोग, लड़की लोग, हम वापस आ गए हैं एक हिंदी में वीडियो लेके। शेरी को पूछो, आप सबने मेरे लिए प्रश्न भेजे हैं, शुक्रिया। अब हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न नेहा जैन जी से है, आपका पसंद का शौक कौन सा है? शौक क्या मतलब, शौक मतलब हॉबी ना, तो मैं बोलूंगी भागना। मेरा एक शौक तो भागना जरूर है। दूसरा शौक है फॉर्मूला वन, मुझे फॉर्मूला वन बहुत पसंद है। और हाँ, गाने सुनना, नाचना वैसे ही मेरे शौक है। ऑनलाइन चीजें देखना वही मेरे शौक है। मिष्टी मुदगिल ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है दोस्तों, कि मैं क्यों अपने रूम में हमेशा, मैं क्यों हमेशा पसीने के साथ बैठी होती हूँ। अभी मिश्री जी, पहले तो आपको मैं एक बहुत ही ऑब्जर्वेंट बंदी मानती हूँ, क्योंकि आपने वो नोटिस किया, वो शुक्रिया उसका। और आपने मेरे पसीने के बारे में भी प्रश्न पूछा है, तो शुक्रिया। इसके तीन कारण हैं। पहला कारण तो है कि हम बम्बई में रहते हैं, और बम्बई में क्या बोलते हैं उसको, बहुत गर्मी है और गीली गर्मी है, मतलब पसीने टाइप की गर्मी है, तो वो नंबर वन है। नंबर टू तो है कि मुझे पसीना आता है। हाँ, मैं बहुत पसीना आता है, मैं जीवित इंसान हूँ और मुझे पसीना आता है, वो होता है। और तीसरा, मेरे कमरे में एसी नहीं है, और जब हम शूट करते हैं तो हमको पंखा भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि साउंड खराब है और बहुत इंटरफियरेंस आ रही है, क्योंकि पंखा चलाते हैं तो वो माइक में बहुत खराब साउंड होता है। तो इसीलिए हमेशा मेरे मुंह पे पसीना है, और हमेशा मैं शूट कर रही हूँ तभी मेरे पास टिश्यूज रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में डैब करना पड़ता है, और कभी मैं डैब करना भूल जाती हूँ और आप पसीने को नोटिस करते हैं। बहुत सारे प्रश्न के ड्रामा के बारे में है, कि मेरे सबसे पसंदीदा कौन से हैं, मैंने कितने देखे हैं, क्या देख रही हूँ, तो मैं सबको एक साथ आंसर कर दूंगी। अभी मैं एक रिप्लाई 1988 करके के ड्रामा देख रही हूँ, जो बहुत ही अच्छा है और मुझे अपने बचपन के बारे में याद दिला रहा है, वो बहुत ही अच्छा है, वो देखना। और दूसरे मेरे मनपसंद है क्रैश लैंडिंग ऑन यू, और व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, सेक्रेटरी किम के साथ क्या खराब है, और डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, वो हिंदी में मुझे नहीं आता। तो हाँ, ये तीन मुझे अभी बहुत पसंद थे, और रिप्लाई 1988 जो मैं देख रही हूँ वो भी बहुत पसंदीदा है। अगर आपको के ड्रामा में इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरे के ड्रामा क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे है। और जब भी हम के ड्रामा के रिव्यूज पोस्ट करते हैं, उन्हें देखो भाई लोग, बहन लोग, इतने अच्छे हैं। अभी जो लास्ट हमने किया था, समथिंग इन द रेन पे बनाया था, वो इतना क्या बोलते हैं, उसने हंसने वाला है, उसमें अनु मेनिन है जो लूला कुट्टी का किरदार निभाती थी पहले, और वो इतना, उसने हमें इतना हंसाया है, मतलब हम लोग जब ये कर रहे थे शूट तभी इतना हंस रहे थे कि वीडियो इतना, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं यहाँ लगा रही हूँ, देखना। राजेश्री शाह पूछे छे, तमने गुजराती आवड़े छे? राजेश्री जी, ये हिंदी का वीडियो है, पर मैं आपके रिक्वेस्ट को ले लूंगी। हाँ, मने गुजराती आवड़े छे, ने हूँ गनू गुजराती में बात करूँ छ, घेरमा ने मोरा परिवार में बद्दा साथे आपरे गुजराती में भी बात करिए छ, तो मने मालूम छे गुजराती। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं, प्रिय शेरी, आप मुझे बता सकती हैं कि आपके चमकते हुए दांतों का क्या राज है? अरे कोई राज नहीं है लक्ष्मी जी, बस जूम वाइटनिंग का कमाल है ये। आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा, मैंने पहले बताया है कि मैंने जूम वाइटनिंग कराया था दांतों को। मैंने बहुत अलग टाइप के वाइटनिंग ट्राई किए हैं, पर जूम वाला सबसे ज़्यादा लास्ट हुआ है। मैंने कौन से व्लॉग में किया था पता नहीं, अब आपको ढूंढना पड़ेगा, पर हाँ, जूम वाइटनिंग आप साल में एक बार करोगे तो आपके दांत चमकते ही रहेंगे। ब्राउन एंड ब्यूटीफुल पूछ रही है कि मैं
एंग्जायटी के साथ कैसे डील करती हूँ। एंग्जायटी का हिंदी शब्द मुझे नहीं पता है, क्षमा कीजिए। तो जब मुझे एंग्शियस फीलिंग आती है तो मैं भागने चली जाती हूँ, वो एक चीज़ करती हूँ, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ। ये दो चीज़ें मुझे शांत कर देती है जब जब मुझे एंग्जायटी जैसा फीलिंग आता है, तो ये दो चीज़ें मुझे शांत और सुखी स्टेट में डाल देती है। नेहा पूछ रही है कि कौन सा लिप बाम अच्छा है इस मौसम में और वो अपने लिप्स को काला भी नहीं करेगा। मैं एक ही लिप बाम यूज़ करती हूँ जो मेरे मुंह पे अभी भी है, वो ये है, ये बर्ड्स बीज लिप बाम है रोज़ के शेड में, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। इसमें प्लेन वाला भी है मेरे पास, अब ये भी मेरे बैग से निकल गया वो दिन, तो अब दोनों यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा सबसे चहीता लिप बाम है और मैं बहुत ही सालों से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मेरे लिप्स को बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रखता है और वो गुलाबी रंग भी बहुत अच्छा है उसका। इम्प्रिंटा डैनियल पूछ रहे हैं कि मैंने क्या सीखा है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में क्या सीखा है, मैं बोलूँगी मैंने सीखा है खाना बनाना, एक तो जो मैं पहले नहीं करती थी बिल्कुल, मतलब सीखा नहीं है, मैं अभी भी जो भी मन में आता है डाल के ऐसे ही बना देती हूँ उटपटांग सा, पर बनाती हूँ जो मैं नहीं करती थी पहले, तो वो एक है। और दूसरा होगा अकेला रहना, क्योंकि मैंने मैं बहुत ही, मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों से मिलना। अभी इतने महीनों से मैंने दोस्त नहीं मिले हैं या कहीं बाहर नहीं गई हूँ, तो वो मैंने सीखा है जो मुझे पहले बहुत मुश्किल लगता था, अब आसान नहीं है पर कर सकती हूँ। शर्मा 0801 ने पूछा है ह्यून बिन या जुंग हे, आपने कैसे प्रश्न पूछा है। अभी ये मतलब बहुत ही टफ सवाल है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही बहुत ही रंगीन हैं पर मैं बोलूँगी ह्यून बिन जी मुझे ज़्यादा पसंद है, पसंद नहीं है, पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब लंबे हैं, चौड़े हैं और हाँ, मुझे पसंद है वो ज़्यादा थोड़े से। अनु जी पूछ रहे हैं आप महावारी में क्या इस्तेमाल करती हैं। महावारी क्या होता है, पैड या मेंस्ट्रुअल कप? ओ अच्छा, समझ में आया। और क्या कप यूज़ करना सेफ है? मैंने कभी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया है, मैं पैड भी अभी नहीं यूज़ करती, मैं मेनली टैम्पॉन्स ही यूज़ करती हूँ जो मुझे सूट करता है। तो हाँ, मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मैं मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करूँगी पर मैंने अभी तक नहीं किया है, और हाँ बस वही। आप कैसे वक्त निकालते हो इतने सारे के नाटक देखने के लिए? अरे वक्त तो निकल जाता है, दूसरी चीज़ें करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है नहीं, मगर मैं दिन में ज़्यादा कुछ देखती नहीं हूँ, वो मेरा पहले से एक क्या है जो मैं सोच के करती हूँ कि मैं नहीं देखूँगी दिन में कुछ भी, तो दिन में मैं काम करती हूँ और रात में इसलिए मैं, मुझे सब घर में उल्लू बुलाते हैं क्योंकि मैं रात को जग जाती हूँ, तो मैं रात को खाना खाने के बाद में बैठ जाती हूँ देखने के लिए मेरे के नाटक, और वो मैं जैसे रात के 9-10 बजे शुरू करती हूँ और 12-1 बजे बंद कर देती हूँ, तो तब भी वो मेरे के नाटक का देखने का समय है। अध्याशा पूछ रही है कि मेरी ये ईविल आई ब्रेसलेट कहाँ से है। ये ब्रेसलेट दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, ये काज फाइन ज्यूल से है। वापस मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगी, उनका लिंक, उनका इंस्टाग्राम पेज का, अगर किसी को चाहिए तो। ये मैं रोज़ पहनती हूँ, मेरे दूसरे सारे ब्रेसलेट टूट गए हैं अभी घर में रह रहे के अपने मास के साथ खेलते हुए, एक उसके पट्टे में अटक गया, एक उसके दांत में अटक गया और टूट गए दोनों, तो हाँ अब बस यही बचा है मेरा बेचारा ब्रेसलेट। रुचिरा पूछ रही है आप और आपकी बहन और उनका परिवार कैसे फनी रह पाते हो, कुछ टिप्स दे जी अपार्ट फ्रॉम पारसी जीन्स जो मेरे पास नहीं है। रुचिरा जी, हम
मैं क्या बोलूं आपको, हमें नहीं लगता कि हम फनी बन रहे हैं, हम बस जी रहे हैं, पर हम आपको फनी लग रहे हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मुझे लगता है ये पारसी पना है, उसके वजह से हम थोड़े अजीब और अलग और हसमुख लगते हैं कभी कभी, पर हाँ हम ऐसे ही हम बहुत मतलब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, फ्री है, और हमें बचपन से ऐसे ही अतरंगी फोटो वीडियो लेने का शौक यू नो चढ़ जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो हमें नहीं लगता कि हम फनी बन रहे हैं, पर हम फनी हैं। अमी जी पूछ रही है मास की शादी कब है, ये आपने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है। मैंने एक बहुत ही खराब माँ की तरह अपने बेटी की शादी पक्की कर दी थी डॉली जी की फीबी के साथ, और अभी मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, अभी उसको एक बहुत ही हमारे ही गली में एक चंचल सी बहुत ही हसमुख सी कुतिया पसंद हो गई है ब्लैकी नाम की, और अब वो उसमें बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है, तो अब मुझे पता नहीं क्या करूं कि ये रिश्ता तोड़ दूं या तो अभी मैं बहुत ही दुविधा में हूँ माज के शादी को लेके। पर मुझे नहीं लगता कि उसकी शादी होगी, मुझे लगता है कि वो अब ऐसे ही रहेगा इधर उधर। अंकिता पूछ रही है कि 2020 के बाद मुझे कहाँ जाना है पहले। अरे अभी तो मैं कहीं पे भी जाऊंगी, अभी कोई मुझे लोनावला भी बुला देना, मैं इतना एक्साइटमेंट में चली जाऊंगी। मुझे अब बहुत शौक हो रहा है कहीं जाने का, जैसे मैं लोगों को देख रही हूँ कि बहुत लोग अभी जा रहे हैं इधर उधर, मालदीव्स में लोग जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं भी चली जाऊँ कहीं पे भी। और अभी घर में बैठ बैठ के दम घुट रहा है, और मुझे अभी हाँ कहीं पे भी जाना है। कहीं पे भी जाना है। शिवांगी जी पूछ रही है मेरे फिटनेस का क्या राज है। तो अभी बस यही मेरा राज है, कटका और वैक्यूमिंग और झाड़ू, और उसी से मैं स्वस्थ रह रही हूँ, दूसरा कुछ नहीं कर रही हूँ अभी थोड़े महीनों से तो। या प्रतीक जी पूछ रहे हैं मास का नाम मास क्यों है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मास को जब हम ले आए उसका नाम ऑलरेडी मास था, तो मास की कहानी ये है कि वो बांद्रा के हाईवे पे था अपने भाई के साथ, तो दो छोटे पिल्लू थे और उनकी माँ नहीं थी, तो तब एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फॉर ऑल, उनके लोगों ने उनको देखा और उनको ले लिया अंदर उनके शेल्टर में, और तभी उन लोगों ने इन दोनों को ब्रूनो मार्स नाम दिया था सिंगर के बाद, तो भाई भाई ब्रूनो मार्स है, तो उसका भाई ब्रूनो है और मार्स मार्स है। तो जब हमने मार्स को अडॉप्ट किया मुझे उसका नाम बहुत प्यारा लगा, और मुझे लगा कि वो बहुत ही क्यूट था, तो मतलब नाम और वो और सब मैच हुआ, तो मैंने बोला उसका नाम जो है वही रखेंगे, क्यों चेंज करेंगे, तो मैंने उसका नाम चेंज नहीं किया। तो हाँ वो साथ में ब्रूनो मार्स थे, अभी ब्रूनो का नाम लोकी हो गया, उसका नाम चेंज कर दिया जिसने उसको अडॉप्ट किया था, पर हाँ वो ब्रूनो मार्स थे, साथ में उसको ऐसे उसका नाम मिला। ज्योति जी पूछ रही हैं कि मैं सबसे देसी चीज़ रोज़ क्या करती हूँ। मुझे लगता है सुबह सुबह चाय पीना वो मेरी सबसे देसी आदत है, और वो मैं मुझे नहीं लगता मैं कभी छोड़ पाऊंगी, कि सुबह की चाय के बिना दिन को शुरू करना मुश्किल हो जाता है। अब बहुत प्रश्न है डिवोर्स के बारे में, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आजकल के ज़माने में डिवोर्स होना ठीक है या लोग अभी भी मानते हैं कि गलत है ये वो, तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल गलत है। मैंने ये पहले भी बोला है कि मेरी मम्मी का डिवोर्स हुआ था पहले, और ये मेरी माँ का क्या अगली की दूसरी शादी है, तो ज़रूर मैं नहीं कहूँगी कि किसी को भी बिना खुशी के शादी में रहना चाहिए। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर और कोई सल्यूशन नहीं है तो डिवोर्स होना चाहिए, और उसमें कोई ख़राबी नहीं है, और जिनका डिवोर्स हुआ है उन्हें भी
अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। जैसे लाइफ में भी हम लोग डेट करते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, वैसे भी कभी कभी शादी में भी चीज़ें नहीं चलती हैं, तो डिवोर्स होना ठीक है। और वो ज़्यादातर लोगों को अब कबूल करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ख़राब नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आज हम यही प्रश्न का उत्तर देंगे, अगली बार और प्रश्न के उत्तर देंगे ज़रूर। तो आपको ये अच्छा लगा तो अंगूठा दे दीजिए, और नीचे कमेंट्स में अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने के लिए। और देखने के लिए धन्यवाद। टाटा।